काफी बढ़िया से लॉन्च होती है ये, स्टीयरिंग फीडबैक काफी अच्छा लगा मुझे इसमें, लेन असिस्ट यहाँ पे कैमरा दिया गया है। तो टर्निंग रेडियस इसमें आपको मिल जाता है 5.2 मीटर्स का। सो एडैप्टिव फीचर यहाँ पे अभी ऑन हो चुका है, 75 पे क्रूज हो रही है। सो गाइस अभी म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये प्ले कर दी हमने ट्रैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल। तो कैसे हो आप, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है हमारे पास ऑल न्यू होंडा एलिवेट, जिसका आपने वॉक अराउंड रिव्यू देखा होगा चैनल पे। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपके आ रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू हिल व्यू होंडा जिन्होंने ये प्रोवाइड की है गाड़ी। सो इसका आज ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कंफर्ट कैसा है ऑन रोड, सभी चीज़ें इसकी बात करेंगे। सो फ्रंट में आप देख सकते हो फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आ जाती है, काफ़ी बोल्ड लुक्स मिल जाती हैं आपको। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आ जाती है एंड रियर से भी आप देख लो और उसके बाद फिर चलते हैं। सो रियर से कुछ इस तरह से व्यू आ जाता है। तो इसमें बूट स्पेस की बात कर लेंगे तो बूट स्पेस कुछ इतनी मिल जाएगी आपको, अपने सेगमेंट भी सबसे ज़्यादा आपको बूट स्पेस इसमें देखने को मिल जाती है। सो इसको फटाफट से बंद करते हैं और सीधा चलते हैं अंदर और इसका ड्राइव इंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया से इंटीरियर मिल जाता है होंडा एलिवेट में। सो यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीरियर काफ़ी बढ़िया मिलता है। सीट बेल्ट ब्रेक डाउन, सबसे पहले इसको लॉन्च करके देख लेते हैं फर्स्ट गियर। काफ़ी बढ़िया से लॉन्च होती है ये, टॉर्क काफ़ी अच्छे से इसमें आपको मिल जाता है। सो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाता है, जो कि सेम आपको होंडा सिटी में मिल जाता है। और फिगर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 121 PS की पावर मिल जाती है एंड 145 Nm टॉर्क। सो टॉर्क यार काफ़ी जस्टिफाई करते हैं ये फिगर्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि लॉन्च काफ़ी बढ़िया से हो गई है। देन अभी हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, तो स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें, काफ़ी लाइट आपको स्टीयरिंग मिल रहा है। और उसी के साथ एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टॉप मॉडल में आपको इसमें यहाँ पे 2 टाइप्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मैं लेन चेंज करने के लिए मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया है, तो यहाँ पे कैमरा भी ऑन हो जाता है, जो इसमें लेन असिस्ट यहाँ पे कैमरा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ्ट इंडिकेटर जब भी आप दोगे तो ये चीज़ ऑन हो जाएगी। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है लेन ड्राइविंग जब आप करते हो, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। ये चीज़ आपको राइट में नहीं देखने को मिलेगी, बस लेफ्ट में ही आपको ORVM पे यहाँ पे कैमरा मिलता है। वो प्रीमियम फिनिश मिलती है इसमें, इंटीरियर आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ब्राउन प्लस ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। और ये जो आपको प्रीमियमनेस दिख रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको लेदर वर्क देखने को मिल जाता है, उसी के ऊपर यहाँ पे वुडन टेक्सचर भी दिया गया है। सो ओवरऑल इंटीरियर आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा, प्रीमियम आपको फील करवाएगा ये। क्लच की बात कर लेते हैं अभी, तो क्लच मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी है कि काफ़ी लाइट क्लच इसमें मिल जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप गियरिंग इसमें करोगे, आराम से आपका यहाँ पे क्लच यहाँ पे प्रेस हो जाता है। और डेड पेडल की जो पोजीशन दी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पे। क्लच के साथ ही हम गियर बॉक्स की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें ये जो मैं टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ ये है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है ये, तो इसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, स्मूथ गियरिंग लगती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है उसमें। और उस मैन ये तो हो गया मैनुअल की बात, और मैनुअल के साथ साथ इसमें CVT वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मैनुअल पे जाना है या फिर CVT पे जाना है। एक और इसकी प्लस पॉइंट की बात करेंगे तो वो ये है कि आपको पता नहीं यहाँ पे फील हो रहा होगा या नहीं देखने पे, लेकिन मेरे को ये फील हो रहा है कि काफ़ी ऊँची आपको यहाँ पे गाड़ी दिखती है, आपको कमांडिंग सीट मिल रही है। सो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फुल बोनेट व्यू देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और उसी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब भी आप ये चलाते हो। यहाँ पे अभी यू टर्न ले लेते हैं, और एक और चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि है इसका टर्निंग रेडियस। तो टर्निंग रेडियस इसमें आपको मिल जाता है 5.2 मीटर्स का। सो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती है कि आप SUV जब चलाते हो और उसमें ऐसा टर्निंग रेडियस मिल जाए, तो वो प्लस पॉइंट रहता है उसमें कि आप कहीं पे भी आराम से इसको टर्न कर पाओगे। लो एंड की तो बात की हमने, अभी हम मिड रेंज में चल रहे हैं, तो मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है।
एंड यहाँ पे अभी टॉप एंड भी देख लेते हैं इसका। हाँ तो 80 स्पीड जैसे क्रॉस होगी तो यहाँ पे आपको स्पीड वार्निंग भी यहाँ पे शो हो जाती है। टॉप एंड भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको इसमें। अभी इससे ज़्यादा तो यहाँ पे तेज़ चला नहीं पाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे कर्व्स हैं, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। टॉप एंड में भी काफ़ी अच्छा आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा इसमें। यहाँ पे विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सो कैबिन से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे रहेगी। फ्रंट में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको वाइड कवरेज मिल जाती है। उसी के साथ ORVM जो दिए गए हैं, ORVM में भी आपको वाइड कवरेज मिलती है। चाहे आप राइट साइड देखो या लेफ्ट साइड देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कोई भी व्यू आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो IRVM दिया हुआ है तो IRVM यहाँ पे बेजललेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे देखो यार कितना बढ़िया से आपको IRVM मिल रहा है, ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा। और उसी के साथ रियर का जो यहाँ पे व्यू मिलता है तो रियर का व्यू भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवरेज मिल जाती है IRVM से। अभी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे इसमें दिए गए हैं आपको। स्टिफर साइड पे यहाँ पे मिलेंगे इसमें सस्पेंशन, कॉर्नरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और आप किसी भी रोड कंडीशन में चले जाओ ये गाड़ी आप आराम से निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी रोड कंडीशन में। यहाँ पे हॉर्न आप सुनोगे तो हॉर्न थोड़ा सा मेरे को यार लाइट लगा हॉर्न इसमें, थोड़ा सा बेसी होना चाहिए था इसको, जो जस्टिफाई करता गाड़ी की लुक्स को एंड जो इसमें बिल्ड दी जाती है। वैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है इसकी। 10.25 इंचेस की यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू प्रोवाइड करती है। और ये जो आप मैप देख रहे हो ये इसमें इनबिल्ट ऑफलाइन मैप नहीं आते हैं, ये आपको एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के साथ ही यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जो चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। और उसी के साथ साथ वो आपको वायरलेस यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन की क्वालिटी, स्क्रीन का यहाँ पे टच फीडबैक, वो चीज़ सब चीज़ें अच्छी दी गई हैं इसमें। एंड यहाँ पे ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो ब्रेक इसमें फ्रंट आपको 2 डिस्क ब्रेक मिल रही हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। अभी हम 70 पे हैं और ब्रेक्स काफ़ी अच्छी इसमें अप्लाई होती हैं, फीडबैक काफ़ी अच्छा मिलता है, स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। ब्रेकिंग में भी कोई भी इशू नहीं आएगा आपको इसमें। एंड यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको जो स्पीकर सिस्टम मिल रहा है काफ़ी अच्छा 8 स्पीकर सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। उसकी भी क्वालिटी हम चेक कर लेंगे। अभी गाड़ी में होंडा एलिवेट में आपको यहाँ पे अडैस फीचर भी मिल जाता है, और अडैस फीचर यहाँ पे जो मिल रहा है आपको तो वो आपको कैमरा बेस्ड ही मिलेगा, रडार बेस्ड नहीं मिलेगा। लेकिन कैमरा बेस्ड भी कंपनी क्लेम करती है कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे दिया गया है, वो चीज़ अभी चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ इसमें है कि जो अडैस फीचर जो ये इनेबल होगा ये 72 प्लस स्पीड में होगा, और उसी के साथ यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आपको सेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ग्रीन लाइंस आ गई हैं, मतलब ये ऑन हो चुका है। अभी क्रूज़ कंट्रोल हम इनेबल कर देते हैं। अडैस फीचर यहाँ पे अभी ऑन हो चुका है, 75 पे क्रूज़ हो रहा है ये। इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी लग जाएगी अगर कोई सामने से आएगा, जैसे अभी ट्रैफिक हो रहा है तो अभी खुद ही हम इसको डिसइंगेज कर देते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद खुद भी बता देगा कि आपको स्टेयरिंग यहाँ पे फिर से आपने होल्ड कर लेना है। अडैस फीचर कुछ इस तरह से मिल जाता है इसमें। गाइस अभी म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये प्ले कर दिया हमने ट्रैक। फिर अभी स्टार्ट ही हुआ म्यूजिक और सराउंड यहाँ पे साउंड यहाँ पे मिल जाती है आपको, वो चीज काफी अच्छी है। सो गाइस काफी अच्छा लगा मेरे को इसमें म्यूजिक सिस्टम इसका, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, वोकल्स भी काफ़ी क्लियर आए हैं और बेसी आपको यहाँ पे साउंड मिलती है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसमें। एंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इस गाड़ी में अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है, वो है 220 mm की। आप कंपेयर करोगे इसके सेगमेंट में तो उसमें आपको 190 के आसपास ही यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और इसमें आपको 220 मिल रही है। और आप थार अगर देखी होगी आपने तो थार में कितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिखती है, वो है 226 mm की।
सो उस हिसाब से यहाँ पे आप देखो तो 220 mm की काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से आप किसी भी रोड कंडीशन में जाओगे आराम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। सो सिटिंग कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी सही इसमें दी जाती है। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यहाँ पे नहीं मिलते हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए, वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही यहाँ पे दी जाती है। तो उसके अलावा काफ़ी अच्छी सीट्स हैं यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं इन्होंने। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की। सो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।